हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एगलेस वनीला केक बनाने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम केक मोल्ड लेंगे और उसे अच्छे से ग्रीस कर देंगे। घी से अच्छा ग्रीस कर दिया है हमने। अब इसमें थोड़ा सा हम मैदा डस्ट करेंगे और मैदे को चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे हम पलट कर थोड़ा सा टेप करेंगे। इस तरह से मोल्ड रेडी है, इसे अभी हम साइड में रख देंगे। 200 ग्राम मैदा, मैदा के अंदर ही हम हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर दोनों मिक्स कर देंगे और मैदा को हम 2 से 3 बार छान लेंगे। मैदा को मैंने 3 बार छान कर तैयार कर लिया है। 2 टेबल स्पून बारीक लंबाई में कटे हुए बादाम और पिस्ता, बादाम को भिगोकर कवर हटाकर लंबाई में कट करके मैंने इसे सुखा लिया है। अगर आपके पास इस तरह से बादाम अवेलेबल नहीं है तो आप साबुत बादाम के छोटे टुकड़े करके उसे भी यूज में ले सकते हैं। एक दूसरे पॉट में मैंने 400 ग्राम मिल्क मेड लिया है। ये होममेड मिल्क मेड है। इसकी रेसिपी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप मार्केट का मिल्क मेड लेना चाहते हैं तो 400 ग्राम का जो एक टीन आता है वो आप यूज में ले लें। अब मिल्क मेड में हम 120 ml घी, मेल्टेड घी है ये, इसे ऐड करेंगे। घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 150 ml पानी, इसे भी अच्छे से मिक्स करें। पानी को अच्छे से मिक्स कर दिया है, साथ ही इसमें अब हम हाफ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। धीरे धीरे करके इसमें हम मैदा मिक्स करते जाएंगे। मैदा को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से बीट करेंगे। बैटर को मैंने इलेक्ट्रिक बीटर से 1 मिनट लो स्पीड पर और 1 मिनट हाई स्पीड पर अच्छे से बीट कर लिया है। बहुत ही फ्लफी बैटर बनकर तैयार हुआ है। इसे अब हम मोल्ड में सेट कर देते हैं। मोल्ड को थोड़ा सा हम इस तरह से टेप कर देंगे जिससे बेटर चारों तरफ एक जैसा फैल जाए और एयर बबल्स भी ना रहे। अब इसके ऊपर हम जो बादाम और पिस्ता हमने लिए हैं उन्हें फैला देंगे। इस तरह से अब हम केक को बेक करेंगे। गैस तंदूर पर ही हम केक को बेक कर रहे हैं। पहले हमने एगलेस व्हीट फ्लोर कर्ड केक बनाया था, उसमें मैंने आपको सेटिंग बताई थी कि कैसे इस तरह गैस तंदूर पर हमें केक को बेक करना है, तो आप प्लीज उस रेसिपी में देख लीजिए। 2 मिनट के लिए अब हम तंदूर को प्रीहीट करेंगे। 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, तंदूर प्रीहीट हो चुका है। अब केक मोल्ड को इसमें हम सेट कर देंगे और लीड से कवर कर देंगे। फिफ्टी मिनट्स के बाद इसे हम चेक करेंगे। 55 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। केक
केक अच्छे से बेक हो चुका है, इसे एक बार हम चेक कर लेंगे। टूथपिक एकदम क्लीन है, केक टूथपिक पर नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब केक बेक हो चुका है। इस समय हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और केक को थोड़ा ठंडा होने देंगे। केक ठंडा हो चुका है, इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं। चाकू से एक बार हम किनारे अलग कर देंगे। बहुत ही अच्छा केक बेक हुआ है। एकदम सॉफ्ट और स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा एगलेस वनीला केक बनाने का यह तरीका पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।